गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव ए लेक्चर ऑन एस्टिमेशंस टू बी मेड इन फोर्जिंग वर्कशॉप। एज वी नो दैट फोर्जिंग ऐसी चीज है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग हो, फोर्जिंग इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ दैट। तो इसमें क्या क्या एस्टिमेट करते हैं, फोर्जिंग की कैलकुलेशंस क्या करती हैं, दिस विल वी विल स्टडिंग इन दिस चैप्टर। तो अगर हम देखें फोर्जिंग है क्या चीज़, तो लेट अस सी कि फोर्जिंग क्या है। फोर्जिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग शेपिंग ऑफ मेटल यूजिंग लोकलाइज्ड कंप्रेसिव फोर्सेस। इट कैन बी हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग। हॉट फोर्जिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर प्लास्टिक स्टेज तक लेके जाते हैं और उसके बाद कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, लेकिन कोल्ड फोर्जिंग में सिर्फ शॉक इन कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। फोर्ज पार्ट्स रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग टू अचीव ए फिनिश्ड पार्ट। फिनिशिंग भी उसके बाद ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मशीनिंग से हो या डीबरिंग या किसी तरह से सुपर फिनिशिंग प्रोसेस हो। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटल वर्किंग प्रोसेस एंड इट वॉज परफॉर्म्ड बाई अ स्मिथ यूजिंग। आपने देखा भी होगा कि पुराने ज़माने के जो लोहार होते थे, हैमर और एनविल के हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग करते थे। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो फोर्जिंग के प्रोसेस जो हैं वो दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, बाय इक्विपमेंट एंड बाय प्रोसेस। इक्विपमेंट के हिसाब से फोर्जिंग हैमर या ड्रॉप हैमर से, जैसे कि आप राइट साइड में देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे फोर्जिंग हैमर या ड्रॉप हैमर से उसको एक ब्लो दिया जा रहा है तो इसको गर्म किया जाता है, दिस इज हॉट फोर्जिंग। और प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है कि एक प्रेस होती है जिसमें एक डाई के ऊपर पंच मारा जाता है, और या फिर बाई प्रोसेस भी हम कह सकते हैं, दिस इज ओपन डाई फोर्जिंग जो यहाँ पे दिख रही है हमें राइट साइड में, ओपन डाई। क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, डाई क्लोज होती है, उसके अंदर मेटल को पंच किया जाता है, तो वो भी आगे देखेंगे। फोर्जिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हम ऑलरेडी स्टडी भी कर सकते हैं, लेटर्स रिवाइज तेजी से रिवाइज करेंगे। ड्रॉइंग ऑपरेशन, ड्रॉइंग में क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्कपीस बाय कॉन्क्रेंट इंक्रीज इन लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ब्लो से उसको कम किया जा रहा है, उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के, और उसको यहाँ राइट साइड में भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे उसके ब्लो मार मार के उसको कम किया जा रहा है। देन सेकेंड इज अपसेटिंग। अपसेटिंग फोर्जिंग इंक्रीजेस द डायामीटर ऑफ वर्कपीस बाय कंप्रेसिंग इट्स लेंथ। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीसेस इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फोर्जिंग प्रोसेस। सिर्फ कंप्रेस करने से ही उसकी जो लेंथ डायामीटर है वो बढ़ा दिया जाता है, लेंथ उसकी कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर इंजन के वाल्व बनाए जाते हैं, कपलिंग बोल्ट स्क्रू, ये सारे के सारे अपसेटिंग से बनाए जाते हैं। राइट साइड में देखिए दिख भी रहा है कि एक जो है ग्रिपर जाज आए हुए हैं और उसके ऊपर क्या है कि ग्रिपर जाज से वो उधर से पंच किया जा रहा है, और सामने जो है एक और पंच जो है वो ब्लो किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका जो होल्ड है वो जो राइट साइड वाला है वो तो ठंडा रखा गया, लेफ्ट साइड वाला गर्म रखा गया, तो उसकी वजह से क्या है, गर्म वाला जो है वो अपसेटिंग उसका इंक्रीज हो गया डायामीटर। फुल रिंग, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्ट्रोक, द मेटल फ्लो इज आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फुलर। यहाँ पे देखिए फुलर में हम इस तरह से उसको पंच मारते हैं, सो सेंटर से अवे उसका जो स्टॉक है वो फ्लो करता है, सो दैट इज फुल रिंग। फोर्जिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड फॉर एंड कनेक्टिंग रॉड का हम फोर्जिंग भी देखेंगे कैसे होता है, उसमें ब्लॉकिंग करते हैं लेकिन कनेक्टिंग रॉड को हम अलग से भी कर सकते हैं। फॉर एंड आईसी इंजन ये इसमें फुल रिंग से किया जाता है। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ये आपको पता भी है, इट इज अ शीयरिंग प्रोसेस इन विच ए पंच एंड डाई आर यूज्ड टू मॉडिफाई वेब्स। अब ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में क्या है वो यहाँ पे देख लीजिए। ब्लैंकिंग में क्या होता है, जो बीच वाला पोर्शन खाली किया गया है वो वर्क पीस बनता है, पियर्सिंग में जो खाली वाला है वो स्क्रैप बन जाता है और जो बाकी बचा हुआ होता है वो वर्क पीस बन जाता है। स्वेजिंग, इट इज़ ए फोर्जिंग प्रोसेस इन विच डायमेंशन ऑफ एन आइटम आर अल्टर्ड यूजिंग ए डाई और डाइज इन टू विच द आइटम इज फोर्ज। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर ये कोल्ड फोर्जिंग होती है, देखिए ये छोटे सा पीस है और इसको डाइज के अंदर पंच कर दिया गया, तो ये स्वेजिंग का रूप होता है। ये नीचे वाले कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, इसके एडवांटेज इन्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं तीन एडवांटेज डिस्कस करूँगा, अगर आपको ज़्यादा देखने हैं तो इसकी आप स्लाइड रोक के देख सकते हैं।
ज्यादातर फर्स्ट एडवांटेज इज द मिनिमल मेटल वेस्ट सेव्स मटेरियल। जब आप उसको पंच करते हैं तो मशीनिंग में बहुत ज़्यादा कटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मटेरियल वेस्ट होता है, यहाँ पे लगभग 90% ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड एंड 10% इज ओनली वेस्ट। सेकंड इज फोर्जिंग कैन प्रोड्यूस ए पीस दैट इज स्ट्रॉन्गर देन एन इक्विवेलेंट कास्ट और मशीन पार्ट। होता क्या है कि जब उसको पंच किया जाता है तो उसके ग्रेन्स जो हैं वो फैल जाते हैं, और वो ग्रेन्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक डायरेक्शनल उसकी वो शेप ले लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी की पूरी जो पार्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थर्ड इज कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है, आप मशीनिंग पे बनाएंगे, कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं टेढ़ा कहीं मेढ़ा, यहाँ पे एक डाई बना दीजिए, डाई में पंच करिए, वैसे के वैसे शेप बाहर निकल जाएगी। सो कॉस्ट एफिशिएंट और भी हैं वो आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, मैनी इंटीग्रेट एंड कोर शेप पॉसिबल इन कास्टिंग कैन नॉट बी फोर्ज। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट है या जिसके अंदर कोई खाली वाला पोर्शन है, हॉलो शेप है, वहाँ पे ये फोर्जिंग नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। डाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और फोर्जिंग जो है वो कास्टिंग से ज़्यादा पड़ जाती है अगर डाई फोर्जिंग कम बनानी है। फिर थर्ड इज रैपिड ऑक्सीडेशन और स्केलिंग, क्योंकि ज़्यादातर हम हॉट फोर्जिंग करते हैं तो इसकी स्केलिंग, उसके ऊपर स्केल होता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है, जो उसके सरफेस होती है वो बहुत रफ और ख़राब मिलती है हमें। क्लोज इंप्रेशन डाई फोर्जिंग आर लिमिटेड एज टू साइज। क्लोज में हमें साइज उसका छोटा रखना पड़ता है, बड़ी डाई जो है उसका हमारा वो वाला एडवांटेज नहीं मिल पाता। यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं तो कुछ हमें ओपन डाई एंड क्लोज डाई फोर्जिंग है। देखिए एक बार है, उसको पहले क्या किया गया, पहले उसको पंच करके उसकी एजिंग की गई है, किनारे बना दिए गए हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लॉक करके काट दिया गया है। तो ये क्लोज्ड और ओपन डाई में ऊपर वाला पोर्शन देखिए, ये ऊपर वाली जो दिखाई गई है, दिस इज ओपन डाई फोर्जिंग। तो ये हमारी देखी जाएगी ऊपर वाली जो है, दिस इज ओपन डाई फोर्जिंग, डाई खुली पड़ी है, मटेरियल किसी साइड में भी फ्लो कर सकता है। लेकिन क्लोज डाई में क्या होता है, ये इस तरह से इसको पंच करना शुरू करते हैं, ये इसके अंदर मेटल डालते हैं, मेटल धीरे धीरे फैलना शुरू होता है, और ये प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये साइड में देखिए, साइड में जो मैंने ये ऑरेंज कलर से कवर किया हुआ है, ये साइड में ये दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज द फ्लैश जो बाहर की तरफ निकल जाता है डाई से। अब ये फ्लैश का काम क्या होता है, द फ्लैश सर्विस टू पर्पस, दो काम करता है। इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी वैल्यू, ये देखिए इसमें राइट साइड में हमें दिख भी रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये सेफ्टी वैल्यू फॉर एक्सेस मेटल, कोई फालतू है तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, उसके लिए फ्लैश की जगह छोड़ी जाती है। एंड सेकंड इज इट बिल्ड्स अप हाई प्रेशर टू इंश्योर दैट द मेटल फिल्स ऑल रिसेसेस ऑफ द कैविटी। कैविटी अभी तो ये लगभग सीधी है लेकिन कुछ इसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये फ्लैश बैक प्रेशर मारता है सो दैट कैविटी एक से एक फिल हो जाए। इट इज द एक्सेस मेटल विच कम्स आउट ऑफ द कैविटी एज ए थिक रिबन ऑफ द मेटल। नाउ कॉस्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम। अब क्योंकि ऑटोमोटिव और डिफेंस इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा यूज करती हैं और खरीद भी देती हैं, तो इसके लिए कुछ मटेरियल के कॉस्ट निकालने, फोर्जिंग के कॉस्ट निकालने पड़ते हैं। वही वाले कॉस्ट हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, टूलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तरह के निकलते हैं। तो ज़्यादातर कॉस्ट आइटम क्या है, डिज़ाइन, मटेरियल लॉसेस, ज़्यादातर ध्यान रहना पड़ता है फोर्जिंग में मटेरियल लॉसेस के ऊपर, बाकी लगभग पहले जैसा ही होता है। फोर्जिंग इक्विपमेंट का सिलेक्शन, फोर्जिंग डाई डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्जिंग डिज़ाइन। तो ज़्यादातर हम जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें हम देखें क्या होता है। तो लॉसेज की मैंने बात की है, तो लॉसेज 4 या 5 तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके न्यूमेरिकल में क्या आया हुआ है या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज स्केल लॉस, मैंने बताया कि जब फोर्जिंग करते हैं, हॉट फोर्जिंग होती है, तो बाहर की तरफ उसकी स्केलिंग हो जाती है, कुछ उसकी परत ऑक्सीडाइज हो जाती है, और उसकी कैलकुलेशन नॉर्मली 6% ऑफ द नेट वेट, वैसे फार्मूले भी होते हैं बट आप नॉर्मली 6% ऑफ द नेट वेट, नेट वेट निकालिए, नेट वेट कैसे, वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके नेट वेट निकालिए। सेकंड इज फ्लैश लॉस, फ्लैश लॉस मैंने बताया, इट इज कमिंग आउट ऑफ डाई, इट इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग, इसके फार्मूले हैं जो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं,
इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा स्टॉप करके देख लीजिए, इट इज सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन रट्टा मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का इतना टाइम नहीं होगा, आप सिंपली ऐसे कीजिए, कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग 20 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर, इतना चौड़ा 20 मिलीमीटर जो है उसकी विड्थ होगी, 20 मिलीमीटर विड्थ और 3 mm उसकी थिकनेस होगी, वो पेरिफरी पे चारों तरफ, डाई के चारों तरफ। अब वो कैलकुलेशन में हम देखेंगे कैसे होता है। टोंग होल्ड लॉस, इट इज़ फॉर होल्डिंग इन टोंग। जब हम उसको मेटल को पकड़ते हैं, एक चिमटे में पकड़ते हैं, तो वो उसको टोंग होल्ड कहते हैं। टोंग होल्ड चिमटे में पकड़ के उसको डाई में डालते हैं, या हो सकता है कई बार खुला भी ओपन डाई में करते हैं। तो दिस इज 2 to 3 mm ऑफ स्टॉक लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन इंटू 2 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोंग लॉस आ जाएगा। शियर लॉस, काटने में जितना यूज हुआ है सा करने में, दिस इज 5% ऑफ नेट वेट। और स्क्रू लॉस, कुछ ऐसा मेटल लेंथ एक्स्ट्रा होता है जो ना टोंग में होता है ना डाई में होता है, दोनों के अलावा होता है, वो 7% ऑफ द नेट वेट होता है। सो 4 या 5 इसमें लगाए हैं मैंने, स्केल लॉस, फ्लैश लॉस, टोंग लॉस, शियर लॉस नहीं ज्यादातर लिया जाता, बट ये स्क्रू लॉस लिया जाता है। अब हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें देखी हुई हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट, फोर्जिंग इक्विपमेंट कॉस्ट, फोर्जिंग डाई कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट तो यू ऑलरेडी नो कैसे निकालना है, ग्रॉस वेट निकालना है। ग्रॉस वेट कैसे निकालना है? नेट वेट हमारा वॉल्यूम निकालेंगे, जो मेंसुरेशन के फार्मूले हैं उससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, उसके साथ मटेरियल लॉस जो हमने 4 या 5 बताए हैं वो मटेरियल लॉस को करेंगे, और उसके साथ प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। फोर्जिंग इक्विपमेंट कॉस्ट कैसे निकलती है? अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ईसी इक्विपमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू सीपी ओवर पीआर। सीपी इज द इक्विपमेंट यूजेज कॉस्ट। ज्यादातर क्या होता है कि हम इसको किराए पे ले जाते हैं अगर हमारे पास डाई है, या फिर अपनी कॉस्ट एक निकालते हैं और पर यूनिट टाइम जितनी होती है, एक टाइम में मान लो उसका 100 रुपये होता है और 100 रुपये यूज करने में 10 सिर्फ प्रोडक्शन निकलती है, तो 100 divided by 10 द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रेट पीसीज पर टाइम। तो ये इक्विपमेंट कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाता है? 10 रुपीज आ जाता है। फोर्जिंग डाई कॉस्ट, इट इज द डाई कॉस्ट जो होती है वो लगभग 10% ऑफ द फोर्जिंग, हम रफ हमारा आइडिया है। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपको न्यूमेरिकल में बताई होगी, टी इंटू एल, टी एक फोर्जिंग का कितना टाइम है और लेबर रेट पर आवर वो कितना लेता है। ओवरहेड कॉस्ट ये बताई हुई होगी, ज़्यादातर ये 150% से लेकर 160% ली जाती है। यहाँ पे देखिए पर्पल कलर में दिखाई जा रही है 16%, तो ये आपकी ज़्यादातर 150 से 160% निकाली जाएगी ऑफ द लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया है, नेट वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर जो ग्रॉस वेट है नेट वेट प्लस मटेरियल लॉस, डायमीटर, ये दिस ऑल ओवर यू नो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है टी इनटू एल होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई प्रेस की कॉस्ट है तो वो उसकी डेप्रिसिएशन से हम निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन के फार्मूले से। ओवरहेड्स मैंने बताया 150% से 160% लेते हैं। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने ये डाई बनानी है। अब कितने मटेरियल से बनाना है ये अभी नहीं बताया गया, लास्ट में बताया जाएगा। तो इसका 50 डायमीटर है, 40 डायमीटर, 30 डायमीटर, 20 डायमीटर, 20, 25, 20, 50 इतनी लेंथ के लिए है। सो लेट अस सी क्या होता है। डायमीटर ऑफ ए 50, B 40, 30, 20, 50, 40, 30, 20, याद रखिए। डेंसिटी ऑफ मटेरियल 7.686 ग्राम पर सीसी, ज़्यादातर आपका क्या है ये फिर माइल्ड स्टील ही होगा। मटेरियल कॉस्ट 150 पर केजी दिया हुआ, लेबर कॉस्ट 50 पर पीस, और ओवरहेड्स 150% ऑफ लेबर कॉस्ट, ये उसके न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो नेट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई बाई 4 डी स्क्वायर एक उसका होता है वॉल्यूम का, तो पाई बाई 4 क्रॉस सेक्शन ले लिया, पहला वाला 5 स्क्वायर होगा, तो ये आपका पहला वाला जो है वो 5 स्क्वायर आ गया। तो ये 5 स्क्वायर आ गया पहला वाला, दूसरा 4 स्क्वायर, तीसरा 3 स्क्वायर, चौथा 2 स्क्वायर। अब इनकी लेंथ से इनको मल्टीप्लाई करके 3, 3.5, 3 इंटू
ये आपका लास्ट वाला जो है वो 50 है, तो 5 सेंटीमीटर से इसका निकाल लिया, तो पाई बाई 4 × 178 इट कम्स आउट टू बी 139.73 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। नेट वेट इसको 7.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1098 grams। तो अभी इसका वॉल्यूम हमें याद रखना है कि 139 cc के आसपास आया था और नेट वेट 1.098 किलोग्राम। अब स्केल लॉस कितना होगा देखें, स्केल लॉस अगर हम याद करें इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द नेट वेट, नेट वेट हमारा है 1098, अभी हमने पिछली स्क्रीन में देखा था, तो इसका हमारा स्केल लॉस लगभग आ गया है 0.065 kg। फ्लैश लॉस हमने कहा था इसकी विड्थ जो है वो 20 mm है और थिकनेस जो है वो 3 mm है, 20 × 3 थी, तो देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। अब इसकी पेरिफरी काउंट करनी शुरू करेंगे कि पेरिफरी कितनी है, तो पेरिफरी में अगर हम देखें तो पेरिफरी में पहले हम देखें इसके डायामीटर कितने हैं जो चारों तरफ का किनारा है, सो इट इज 2 × 2, ये 20 वाला है दोनों साइड होगा इसका, तो क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर होगा तो 2 × 2 दोनों साइड में होगा, इधर भी होगा उधर भी होगा, तो 2 × 2 प्लस 2.5 प्लस 2। अब ये देखिए इनकी लेंथ जो है ये ऊपर की साइड भी होगी नीचे की साइड, ये सिर्फ हमने अभी ये वाली लाइनें ले ली हैं स्टार्टिंग की, मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आपकी जो है ये ऊपर की तरफ ये वाली एक लेंथ 20, दूसरी 25, तीसरी 20, चौथी 5, तो इसको ये दूसरी साइड भी होंगी, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये वाली लेंथ हो गई ये होगी 2, ये जो होगी ये सॉरी दिस वन, ये वाली लेंथ है 2 और ये वाली लेंथ होगी 3 − 2, ये 30 − 20, तो 3 − 2, फिर 4 − 3 और इसी तरह से 5 − 4 और प्लस ये वाली लाइन, ये 5 पूरी की पूरी होगी, तो इस तरह से हम इसकी हमारी पूरी की पूरी एक पेरिफेरी निकल गई। पेरिफेरी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0.3, ये हमारी विड्थ थी 2 सेंटीमीटर और थिकनेस थी 0.3, उसको 7.86 से करेंगे, सो हमारा फ्लैश लॉस आएगा 0.183 kg। जिनको थोड़ा जल्दी की वजह से नहीं समझ आया वो इस स्लाइड को रोक के आराम से इसको कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। टोंग लॉस मैंने बताया 2 mm माना जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बार जो है वो 2 सेंटीमीटर बताया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर में से निकाला गया है, तो 2 × π/4 टू स्क्वायर और 7.86 इसकी डेंसिटी आ गई। स्क्रू लॉस 7% है, 1098 हमारा नेट वेट था तो उसको 7 × ये निकल गई 0.70, तो टोटल मटेरियल लॉस हमारा इतना निकला 578 ग्राम और ग्रॉस वेट 1098 प्लस 578 ये लास्ट में हमारा निकला, दिस कम्स आउट टू बी 1676 1676 ग्राम। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी निकली, हम कह रहे हैं कि ये मटेरियल जो है वो 1000 पीस निकलते हैं और 15 जो है उसका कॉस्ट है उसकी, तो 15 कॉस्ट के हिसाब से इसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगभग, क्योंकि ये 1676 ग्राम निकला है और 1000 से डिवाइड करके 1 किलोग्राम होगी और 1 किलोग्राम का 15 रुपये है, तो ये 25 रुपये 14 पैसे डायरेक्ट मटेरियल। लेबर कॉस्ट 50 रुपये बताई हुई है, ओवरहेड हमें पता है कि 150% है तो 75 रुपये हो गए, तो कॉस्ट पर पीस 25.14 प्लस 50 प्लस 75। इसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 14 mm का बार होगा तो वो कितना रिक्वायर्ड होगा एक पीस के लिए, तो हमें वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया था 139.73, उसको डिवाइड किया पाई बाई 4 × 2 स्क्वायर से, तो हमारा ये 14.5 सेंटीमीटर इतनी लेंथ का एक बार चाहिए, उसको जब फोर्जिंग करेंगे तो हमारा 139 वॉल्यूम उसमें से निकलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।